नौ देखिए बेटे हमने एटम एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था क्लास में अब हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं आज हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे जो हमने डाल्टन थ्योरी की थी उसके ड्रॉबैक पढ़े थे और उससे आगे एटॉमिक मास एटॉमिक मास यूनिट उसकी यूनिट क्या होती है कैसे उसको मेजर करते हैं ये हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले एटम है जो आप पढ़ चुके हो इसके बारे में काफी डिटेल में आपको पता चल लग चुका है हमने ये पढ़ा है कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ मैटर मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है इसका मतलब एटम जो है मैटर को बनाने में हेल्प करता है इट मीन हम कह सकते हैं कि मैटर मेड मेंट अप ऑफ ए वेरी टीनी पार्टिकल और वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो मेरा क्या है एटम है फिर डाल्टन ने कह दिया जब छोटा पार्टिकल है तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो डिविजिबल नहीं हो सकता मीन इनडिविजिबल पार्टिकल है डिविजिबल नहीं हो सकता लेकिन फिर उसके कुछ कमियां आ गई हमने देखा हमने आगे पढ़ा तो वो क्या है एटम के अंदर तीन एलिमेंट तीन पार्टिकल और पाए जाते हैं जिसे हम प्रोटॉन, प्रोटॉन कहते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और जिसे हम क्या बोलते हैं प्रोटॉन, प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज होता है अभी चार्ज क्या है अभी हम अगले चैप्टर में करेंगे ये नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरा न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन तो इसका मतलब तीन पार्टिकल और प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर इस एटम के अंदर तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल है ये इंडिविजुअल नहीं है मींस इट आल्सो कंटेन थ्री अदर सब एटॉमिक पार्टिकल एंड दीज सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन लेकिन फिर भी जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनमें एलिमेंट का एटम ही हिस्सा लेता है जितने भी केमिकल रिएक्शन है एच टू प्लस ओ टू मैंने रिएक्ट किया हाइड्रोजन को ओ टू के साथ ये हाइड्रोजन के दो एटम है हाइड्रोजन के दो एटम मिलाए तो ये मॉलिक्यूल बन गया ऑक्सीजन के दो एटम मिलाए तो एक मॉलिक्यूल बन गया रिएक्शन में जो काम आते हैं वो एटम ही काम आते हैं अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो भी नया कंपाउंड बनता है जैसे वाटर बन गया नया कंपाउंड जो बनेगा उसमें जो कम ये आपका एटम है अपनी प्रॉपर्टी अपने करेक्टरिस्टिक अपनी आइडेंटिटी अपनी, अपनी पहचान नहीं खोता है कोई भी एटम रिएक्शन के दौरान चाहे उसमें केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो मीन केमिकल चेंज हो चाहे फिजिकल चेंज हो हिस्सा तो लेगा वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा क्योंकि आइटम हिस्सा लेता है लेकिन केमिकल चेंज के दौरान या केमिकल केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन होगा फिजिकल चेंज होगा वो अपनी पहचान को नहीं खोता ऐसा नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ पहचान खो दी बेटे कुछ और नाम हो गया ना no. अपनी पहचान कभी नहीं खोता अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है इतना छोटा पार्टिकल है केमिकल चेंज हो फिजिकल चेंज हो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन चाहे भले ही दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाए और मिलते क्यों है जब दो या दो से ज्यादा आए, एटम आपस में मिलते हैं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिला दिए तो बन गया मॉलिक्यूल दो एटम आपस में मिले तो मॉलिक्यूल बन गया अब मॉलिक्यूल क्यों बनाया स्टेबल होने के लिए या हमें रिएक्शन करना है इसलिए मॉलिक्यूल बनाया ताकि उसकी स्टेबिलिटी बने रहे क्योंकि अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट एनवायरमेंट में नहीं होता

पढ़ा था रेडियस ऑफ जो एटम है हम किसमें मेजर करते हैं 10 की पावर माइनस नाइन में इतना कम छोटा इतना छोटा पार्टिकल 10 की पावर माइनस नाइन में और इसको हम नैनोमीटर में यूज करते हैं, ना कि मिलीमीटर मिली में ना कि सेंटीमीटर में तो वही हमने पढ़ा देखिए अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटोमिक थ्योरी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है और एटम के तीन अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है चेंज नहीं होती उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती दे में आइडेंटिटी

कार्बन मोनोक्साइड लिया कार्बन मोनोक्साइड को हम सीओ बोलते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने पर हमारा क्या बना कार्बन मोनोक्साइड कार्बन ध्यान रखिए बेटे वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनता है बेटे जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं अगर कार्बन पूरी तरह से नहीं जलता जिसे हम क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ये रिएक्शन जो ये टू मैंने लगाया बेटे अभी आपका टेंथ में है, इसमें अभी आपको मतलब नहीं अभी आप ऐसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तब तो बनता है इनकम्प्लीट कम्बशन में लेकिन उन्होंने मास निकालने के लिए एक तरीका ढूंढा पहले कि एटम का मास कैसे निकाला जाए तो उन्होंने क्या तरीका ढूंढा उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया जिसमें कार्बन का मास अभी पढ़ोगे आप कार्बन का मास 12 है और ऑक्सीजन का मास 16 है अभी पढ़ेंगे आप अब मास क्या ग्राम में या मिलीग्राम में या किस में मैंने एक मास ले लिया बेटे ग्राम में ले लिया चलो तो इसको कट कर दिया बेटे मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए अगर मैं कार्बन तीन लेता हूं तो ऑक्सीजन मुझे चार लेने पड़ेंगे या अगर कार्बन एक लेता हूं तो ऑक्सीजन मुझे कार्बन का फोर बाई थ्री टाइम लेना पड़ेगा अगर कार्बन एक यूनिट लिया एक कार्बन एक यूनिट कार्बन एक ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ने के लिए मुझे फोर बाय थ्री टाइम कार्बन का इतने गुना लेना चाहिए इतने टाइम लेना चाहिए मीन ऑक्सीजन मुझे कार्बन का इतने टाइम चाहिए अगर मुझे कार्बन छ लेना है तो मैं ऑक्सीजन कितना लूंगा आठ लूंगा ऑटोमेटिकली तो ये क्या हो गया जस्ट हर क्वेश्चन में मास निकालने में दिक्कत आई एग्जैक्ट मास किसी का नहीं निकाल लगाया बस जिससे किसी भी एटम का मास निकालने में क्या करी? बड़ी प्रॉब्लम आई तो ऑटोमेटिकली एक IUPAC जो आपने पढ़ा इसने मास की यूनिट तो पहले हटाई उसने मास की यूनिट दे दी बेटे क्या पहले एएमयू दे दी एएमयू एटॉमिक मास यूनिट लेकिन इसको भी उसने क्या कर दिया बेटे हटा दिया तो उसको क्या दिया बेटे यू नाम दे दिया सिंपल यू नाम दे दिया जिसे बोलेंगे यूनिफाइड यू यूनिफाइड बोलेंगे बेटे यूनिफाइड बस इसका मतलब एटॉमिक मास की यूनिट जैसे हम मास को लेते हैं बेटे ग्राम में अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम वो हमेशा यू में होगा बेटे अकॉर्डिंग टू आई यू पी एसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और इस यू का जो बेटे यू है एक यू मीन यूनिट एक यूनिफाइड एक यूनिटाइडे यू, किसके बराबर है अगर यू लिखा हुआ है इसका मतलब एक यू एक यू का मतलब है चाहे वो यू आगे वन लिखे या ना लिखे इसका मतलब यह है कि ये जो है किसके बराबर है मास ऑफ वन कार्बन एटम ध्यान रखना बेटे मास ऑफ वन कार्बन एटम इसका मतलब उसका उस, मतलब उसका उस, मतलब उसने कंपेयर किया इसका मतलब उसने कंपेयर किया क्या कंपेयर किया किसी भी एटम का मास निकालने के लिए कार्बन से कंपेयर किया एक आसान तरीका यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता एक आसान तरीका निकाला अब क्या निकाला लेकिन कार्बन का कार्बन का मास कंपेयर करने से पहले उन्होंने किसको कंपेयर किया बेटे ऑक्सीजन को कंपेयर किया ऑक्सीजन को लिया इनिशियली शुरू शुरू में कार्बन को तो बाद में लिया शुरू शुरू में उन्होंने क्या करा बेटे ऑक्सीजन को लेने की कोशिश की क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना है सिक्सटीन ऑक्सीजन का मास क्या है सिक्सटीन उसके कितने हिस्से किए सोलह हिस्से किए अगर ऑक्सीजन का मास 16 है उसके 16 हिस्से किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन हिस्से किए अगर ऑक्सीजन का मास पहले जो लिया बेटे अगर 16 ग्राम या 16 यूनिट है तो इसका मास कितना होगा हो तो हो 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 अब क्या करा इसमें मतलब इस ऑक्सीजन के सोलह पार्ट के बेटे देखो सोलह हिस्से हो गए एक पार्ट कितना हो गया एक यूनिट हो गया ये भी कितना हो गया वन यूनिट ये भी कितना हो गया वन यूनिट अगर मान लो किसी एक एटम का मास लेना है उसको यहां पर रख दिया अब कंपेयर किससे करना है ऑक्सीजन से करना है ऑक्सीजन का ये वाला पार्ट इसमें रख दिया क्या दोनों बैलेंस किया तो बराबर आ गया नहीं आया ये मान लो मैंने ए एटम ले लिया इसमें एक रख दिया बराबर आया नहीं आया इसमें दो रख दिए आ गया बराबर इसका मतलब इस ए का मास ऑक्सीजन के दो छोटे छोटे जो सोलह हिस्से के बैठे दो छोटे छोटे हिस्सों के बराबर है तो मैं ये कहूंगा अगर ये एक यूनिट है यह भी एक यूनिट है तो दो कितने हो गए दो यूनिट इसका मतलब इस ए ए का का मास मास जो है ए का मास है है एटम दो दो यूनिट यूनिट इस तरीके से मास को कैलकुलेट किया जैसे हम आधी किलो चीनी या आधी किलो सब्जी लेते बेटे उसको कंपेयर करते हैं आधा किलो वेट के साथ जो वजन है जिसे हम भट्टा बोलते हैं बेटे तो ऐसी ये किसका काम कर रहा है बेटे वेट का काम कर रहा है कितना वन यूनिट हर पार्ट पार्टन यूनिट का काम कर रहा है पहले उन्हें ऑक्सीजन के साथ मास निकालने की कोशिश की क्यों अब रीजन क्या है कि उन्होंने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन से मास निकालने की कोशिश क्यों उसका सबसे बड़ा कारण यह है। क्योंकि एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में था ट्वेंटी वन परसेंट और वो हर किसी के साथ जुड़ जा रहा था ऑक्साइड बना रहा था कंपाउंड बना रहा था ऑक्सीजन रिएक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड मीन एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिलकर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे कंपाउंड बना रहा था फिर दूसरा रीजन क्या है इसलिए इस उसको ऑक्सीजन को चुना दूसरा रीजन यह है कि जब भी मास निकाला किसी भी एटम थ्री में, में एट में नाइन में इसमें आ रहा था अपॉन में नहीं आ रहा था ज्यादातर जो मास आ रहे थे एटम के किसी भी एलिमेंट के एटम के ज्यादातर मास किस मारते आ होल नंबर में आ रहे थे फ्रैक्शन में नहीं आ रहे थे एटोमिक मास यूनिट मास ऑफ ऑफ द द मोस्ट एलिमेंट एज इन होल नंबर ज्यादातर किस एलिमेंट के जो मास आ रहे थे वो होल नंबर में आ रहे थे फ्रैक्शन में नहीं आ रहे थे लेकिन वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया क्यों नहीं चल पाया क्योंकि हम एनवाय देखो कार्बन जबकि बहुत कम परसेंटेज में जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंटेज जो है ना कार्बन वेरी लेस लेकिन हर मैटर में हर मैटर में जितने भी सब्सटेंस हैं जितने भी ऑब्जेक्ट हैं चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है सब में कार्बन है यहां तक भी ह्यूमे बींग माई सेल्फ द कार्बन मेरे अंदर भी क्या बेटे माई बॉडी हैज द कार्बन जो हम खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन है एवरीथिंग एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ ए कार्बन तो लास्ट में डिसाइड हुआ कि कार्बन को ही लेना चाहिए जो उन्होंने पहले सोचा था देखो बट इन 1961, इट वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटोमिक मास यूनिट को एक्सेप्ट किया गया जो किसके बेस पे लिया गया बेटे कार्बन ट्वेल्व व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन ट्वेल्व कार्बन ट्वेल्व का मतलब है एक कार्बन एटम का मास किसके बराबर 12 के बराबर आइसोटोप आइसोटोप क्या है ये आपको कल बताया था मैंने विच द एलिमेंट विच हैज द एलिमेंट विच हैज क्या बेटे हैज टू डिफरेंट मास जैसे क्लोरीन क्लोरीन थर्टी फाइव दो मास है डिफरेंट मास एक एलिमेंट अगर जिसके दो मास अलग अलग हो उसे हम बोलते हैं आइसोटोप तो स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड बनाया गया मास को मेजर करने का वो हमारा कार्बन ट्वेल्व बनाया गया अब कार्बन ट्वेल्व से कैसे मास किया सेम तरीका यही है कैसे किया देखो ध्यान से मान लो ये वाटर है ये एक कार्बन है अब इसको पता लगे कार्बन का मास बारह यूनिट है अब यू लिख रहे बेटे क्योंकि यूनिफाइड हो गया आई के नाम से हो गया तो इस कार्ब इस वॉटरमेलन को हमने कार्बोनेट कर लिया ध्यान से सुनिए बेटे इस कार इस वाटरमेलन को कार्बोनेट कर लिया उसका यूनिट 12 है तो इसके 12 हिस्से कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 इसके अलग-अलग ले अलग लिया 12 हिस्से कर दिए उन 12 में से एक हिस्सा ले लिया अब यहां पर देखो ध्यान से यहां पर एटम रखा कौन सा एटम रख दिया कोई भी नया नया एटम रिसर्च हुआ कोई भी नया एटम रिसर्च हुआ यहां पर रख दिया ध्यान से सुनिए बेटे ये वाला रख दिया वन पार्ट रख दिया अगर इस पूरे का मास बारह यू है इस पूरे का मास, इस पूरे पूरे का का मास मास है और इसके हिस्से कर दिए बारह इसके बारह हिस्से कर दिए तो जो एक हिस्सा है जो एक हिस्सा है पूरे का बारह है बारह यू है तो एक हिस्सा है उसका क्या होगा बेटे वन होगा वो कितना होगा वन

वजन बराबर आ रहा है नहीं आ रहा तो फिर वाटरमेलन ये हल, इसका मतलब वज, वजन बराबर नहीं है ये और ये क्या है है हल्का और क्या भारी है तो इसमें एक रख दिया और इसमें अब दोनों का वजन क्या हो गया बराबर हो गया जैसे वजन तोलते बेटे दोनों का वजन क्या हो गया बराबर हो गया इसका मतलब इस एटम का मास इस एटम का मास किसके बराबर है दो यूनिट है दो यूनिट है क्योंकि इसमें तरबूज के दो हिस्से आए अगर इसमें तीन हिस्से आते हैं छोटे छोटे तीन हिस्से आते इसका मतलब इसका हैं है, जो कार्बन से ज्यादा भारी है मान लो ये मैंने ले लिया एफ ये कार्बन से ज्यादा भारी है जब कार्बन से ज्यादा भारी है तो कैसे नापेंगे इसको जिसका मास 12 से ज्यादा हो तो उसको कैसे नापेंगे जरा ध्यान रखिए तो उसको नापने के लिए क्या करा उन्होंने कि इसका मास जिसका बेटे बारह से ज्यादा है तो उसके लिए क्या करा? इन्होंने देखिए उसके लिए क्या करा? एक पूरा कार्बन एटम डाल दिया ये वाटर अगर पीस डाल दिया तो बारह ये है एक है तो इसका कितना हो गया थर्टीन यूनिट हो गया इसका कार्बन से ज्यादा भारी है तो इसी के बेस पर कार्बन को उन्होंने स्टैंडर्ड ले लिया टू मेजर द मास ऑफ एन एटम एटम का मास नापने के लिए कार्बन ट्वेल्व ले लिया कार्बन ट्वेल्व मींस कार्बन जिसका एटॉमिक मास बास है और एसोटोप आपको कल बताया था वन एटॉमिक मास इसकी डेफिनेशन देखे एटॉमिक मास वन एटॉमिक मास वन एटॉमिक मास इज द मास यूनिट एक एटॉमिक मास बेटे दो आपने बताया था ए एम यू ए एम यू जिसे हम क्या बोलेंगे यू बोलेंगे वन एटॉमिक मास वन ए एम यू डेफिनेशन देखिए बेटे इज द मास यूनिट मास यूनिट किसी भी एटम की जो मास है बेटे इज इक्वल टू मास यूनिट इक्वल टू इक्वल टू किसके एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ इसका मतलब मास ऑफ एन एटम एटोमिक मास ऑफ एन एटम याद करने का तरीका इज इक्वल टू एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ मास ऑफ एन एटम यूनिट मास ऑफ एन एटम इज एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन बस मास किसी भी एटम का मास निकालना हो एटॉमिक मास की डेफिनेशन मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू वन 1 ट्वेल्थ मास ऑफ एटम मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व कार्बन ट्वेल्व के मास का वन बाय ट्वेल्व वन के केवल वन एटम के वन बाय ट्वेल्व क्योंकि वन एटम में कितने होते हैं बेटे बारह ही होते हैं मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू वन द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व इट इज द डेफिनेशन ऑफ एटोमिक मासमिक मास की डेफिनेशन यही होगी कि मास ऑफ वन एटम या एटोमिक मास यूनिट इज द वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व ये तो मास यूनिट है

इसीलिए किसी एटम का मास हम ज़्यादा पॉइंट में नहीं लेंगे ये ले सकते हैं ले सकते सकते हैं हैं, ज़्यादा, ऐसा नहीं इसी को बोलेंगे नेक्स्ट हाउ डू एटम एग्जिस्ट एटम एग्जिस्ट कैसे होता है आपने पढ़ा है फिर भी देखिए एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट ज्यादातर एलिमेंट के जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली कम होते हैं कुछ

ये हमेशा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा तब एग्जिस्ट होगा इंडिपेंडेंटली ज्यादातर एटम एग्जिस्ट नहीं होते इंडिपेंडेंटली एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल और क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल और आयन क्या है मॉलिक्यूल आपको बता चुका हूं मैं जब दो या दो से ज्यादा एटम जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे चाहे वो बॉन्ड के द्वारा चाहे वो केमिकल रिएक्शन से तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं मॉलिक्यूल इज द आपको पता नहीं है अभी अगले चैप्टर में पता लग जाएगा ये बेटे आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है इसके अभी आखिरी में मतलब क्या है बेटे नंबर ऑफ सेल होते हैं अभी इस चैप्टर में नहीं है नंबर ऑफ सेल है तो ये आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा स्टेबल होने के लिए उसको आखिरी में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आखिरी में उसके आठ है एक है तो ये क्या करेगा बेटे ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन दे देगा इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो इसके ये बचेगा दो और आठ जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एन के ऊपर जब दे दिया क्या दिया इसने इलेक्ट्रॉन दिया इलेक्ट्रॉन माइनस है दिया माइनस तो बैलेंस करने के लिए क्या बचा है प्लस जब इसने दे दिया तो इसका मतलब डोनर हो गया डोनर मीन देने वाला जो देने वाला होता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर है।, है।, तो दिया। दिया? है अब आखिरी सेल क्या बेटे बाद आखिरी आठ इलेक्ट्रॉन अभी स्टेबल हो गया स्टेबल तब हुआ जब इसने इलेक्ट्रॉन एक दे दिया और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया पॉजिटिव ये आय कहलाएंगे ये सोडियम आयन कहलाएगा सोडियम आयोजन

तो इसका मतलब एटम आपस में मिलते हैं या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे या आयन बनाएंगे मॉलिक्यूल और आयन क्यों बनाते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए और स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन होता है केमिकल चेंज होता है तभी मॉलिक्यूल और आयन बनते हैं एटम ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव ज्यादातर कुछ एटम क्या बेटे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है जैसे क्लास में बहुत बच्चे कह बेटे बड़े शरारती है जैसे आपकी क्लास में भी जो ऑनलाइन है बेटे बहुत शरारती है बहुत ज्यादा क्या थोड़ा सा समझदार है जिसके अंदर ज्यादा तमीज है जो बेटे बॉक्स में लिख रहा है जो भी अभी बात करते हैं बाद में तो इसका मतलब जैसे बहुत ज्यादा क्लेवर बच्चे हैं बहुत ज्यादा हैं जो किसी के साथ बेटे क्या बात कर लेते हैं दे आर हाई रिएक्टिव वो अकेला रहने की सोचते नहीं है दे इजली कंबाइंड टू अदर बहुत तेज होते हैं तो ऐसे ही कुछ एटम मोस्ट ऑफ द एटम बेटे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो इतने रिएक्टिव है कि, कि किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ जाते हैं

फ्री स्टेट में कौन से होते हैं जो एटम कम रिएक्टिव होते हैं लेस रिएक्टिव एटम या लीस्ट रिएक्टिव एटम दे जनरली अकर वे ज्यादातर अकेले रहते हैं लेकिन हाई रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव सब्सटेंस हाई रिएक्टिव एटम वो कभी अकेले नहीं होते दे ऑलवेज वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं कभी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं दीज मॉलिक्यूल्स ये जो मॉलिक्यूल है और आयन जब आपस में जुड़ते हैं कंबाइंड होते हैं बहुत सारे क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं बहुत सारे कंपाउंड होंगे तो क्या बनेंगे मैटर की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं मैटर की जो है जिसे हम टच कर सकते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं और जो बने किससे एटम से इसका मतलब बहुत सारे एटम आपस में मिलकर या तो वो बनाएंगे आयंस बनाएंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे और वो मिलकर क्या बनाते हैं मैटर बना देते हैं इसका मतलब मैटर एक्चुअल बना किससे एटम से ही बना है तो इसका मतलब फॉर्म है लॉन्ग चेन और सारे के सारे जितने भी मैटर हमारे आसपास है दे आर मेड अप ऑफ मैटर ओ सॉरी एटम ये सारे किसे बने हुए अब ये सिंबल है जरा ध्यान रखिए आर द सिंबल गिवन टू यू ये याद करने नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल एल्यूमिनियम मैंने आपसे बताया कि, कि किसी भी एक नाम है जैसे मान लो हीलियम है हीलियम है हमेशा सिंबल लिखने के लिए याद करने का तरीका सिंबल लिखने के लिए या तो दो एक लेटर लेंगे या दो लेटर लिखेंगे किसी भी वर्ड का किसी भी एटम का पहला वर्ड लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल होगा लेकिन दूसरा लेटर लिखेंगे तो वो छोटा होगा बेटे नीचे की तरफ या तो एक लेटर यूज होगा या दो लेटर यूज होंगे अगर दो लेटर यूज होंगे तो दूसरा लेटर छोटा होगा एग्जाम्पल देखिए यहां पर बुक में आपके सामने और ये आपने याद करने किसी भी कंडीशन पर एल्यूमिनियम ए कैपिटल एल छोटा दो लिया ए एल आर्गन ए कैपिटल आर छोटा पहला ए और आर है ए आर चेक करिए बी ए पहले दो बैरियम बोरोन बोरोन में केवल बी लिया है बी बोरोन ब्रोमीन ब्रोमीन में पहला और दूसरा लिया देखो बी आर पहला और दूसरा लिया बस किसी में पहला दूसरा किसी में पहला बस लेकिन पहला कैपिटल है हैल्शियम सी ए सी कैपिटल ए कार्बन पहला लेटर क्लोरीन सी एल कोबाल्ट पहला लेटर दूसरा लेटर पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल कॉपर कॉपर अब देखो इसमें थोड़ा गड़बड़ गया क्यों क्योंकि ये ये सीओ सीओ तो नहीं हो सकते क्योंकि हमें पहचानने में दिक्कत होगी अगर हम कहें पहला सी लिखे छोटा दूसरा वो कैपिटल लिख दे ये हमारे रूल के हिसाब से गलत है क्यों क्योंकि रूल ने क्या कहा पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल तो इसलिए कॉपर में दोनों में सीओ है कोबाल्ट में भी सीओ है इसलिए इसको क्या दे दिया सीयू दे दिया फ्लोरिन में पहला कैपिटल एफ गोल्ड में अब गोल्ड बेटे क्या हो? कलर के हिसाब से दिया है, है दो दो तो आयरन किससे दिया था फेरम से दिया था लैटिन वर्ड से फेरिम एफ ई -E, देखिए जरा पीछे मैंने जो कराया आपको लेड लेड ये लेड में होना चाहिए लेकिन क्या बेटा नाम इसका पीबी ये जो मैं राउंड क्रॉफ कर रहा हूं इसे ध्यान रखना कैपिटल और बी स्मॉल मैग्नीशियम एम ए एम ए आपका आगे बड़ी क्लास में एक नाम हो रहा है इसलिए मैग्नीशियम एम जी दो तीन नाम को देखिए कैपिटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन ओ पोटासियम पोटासियम लैटिन वर्ड से जो था के कैलियम जो था के सिलिकॉन एस आई सिल्वर एजी सोडियम नेटेरियम नेटियम जो था सल्फर एस यूरेनियम

तो नाइट्रोजन का मास हाइड्रोजन से नाइट्रोजन का मास हाइड्रोजन से फोर्टीन अपॉन में ट्वेल्व है इसका वन 12 में 14। इसका मतलब मतलब में कार्बन का एक पूरा जो तरबूज लिया था बेटे वो डाला और दो छोटे छोटे पीस डाले किसका मास निकालने के लिए नाइट्रोजन का मास निकालने के लिए तो फोर्टीन आए बारह ये था और दो ये हो गए चौदह हो गए इसलिए इसका मतलब ऐसे निकाले आइटम के मास ऑक्सीजन का मास 16, सोडियम का मास ट्वेंटी थ्री मैग्नीशियम काल्फर थर्टी टू क्लोरिन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव कैल्सियम फोर्टी यू हैव टू लर्न और सिंबल आपको याद करने हैं ताकि आपको क्वेश्चन आगे कर सकें दीज आर दिंबल विच इज यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास एंड प्लीज बी केयरफुल और एंड थैंक्स फॉर टूडे एंड आई एम चेकिंग यूर थैंक्स फॉर टूडे बट टूडे क्लास इज ओवर